जी हाँ बिल्कुल, आपने देखा जो हमें कुदरत की मार है, ये प्राकृतिक आपदा इतनी ज़्यादा है कि बारिश ने ना केवल शिमला बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को अपने कुदरत की कहर का सामना करना पड़ रहा है। और मैं ये समझता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित होना चाहिए, और देश के गृहमंत्री प्रधानमंत्री से भी मेरा निवेदन रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में हज़ारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, कुदरत का एक बड़ा कहर हिमाचल पर पड़ा है, इसका समाधान जल्द से जल्द राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। और दूसरा, शिमला में खासकर शिमला में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा, और पानी के जो सोर्स है उसमें दाद इतनी भर गई है, कुछ पंप बंद हो गए हैं और उसमें ब्लॉकेज हो गई है, और कुदरत का बारिश का इतना कहर चला हुआ कि नॉन स्टॉप बारिश चली है। आज शिमला में थोड़ी देर बारिश हुई है लेकिन अपर शिमला में अभी भी बारिश हो रही है, इसकी वजह से हमारे को कार्य करने में बड़ी समस्या हुई है। इसीलिए हमने अब टैंकर के माध्यम से जहाँ जहाँ लोकेलिटीज में जहाँ जहाँ हमने बाजार में और जहाँ छोटे टैंकर भी मिलाए हैं और प्राइवेट टैंकर भी हायर किए हैं और नगर निगम के अपने टैंकर हैं, उससे उसके माध्यम से भी हमने पानी की सप्लाई की। पिछले कंट्रोल में और ट्रक हाउस में और खलीनी में जहाँ जहाँ टैंकर जा सकते हैं, और अभी हम सिंजोली जा रहे हैं, सिंजोली के बाद लोअर बाजार में अभी लोअर बाजार के लिए सभी हमारे जो पार्षद हैं वो वहाँ उनकी मांग पर उनके साथ साथ जहाँ जहाँ वो उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे पार्षद, उनका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में शिमला की जनता का भी जिन्होंने इस करता हूँ, और अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी पहुँचाए टैंकर के माध्यम से।